मुझे ये बताएं, हमें पॉलिसीज बनाने में क्या उनकी गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को? मैं कहता हूँ सब कुछ ही उनसे सीखना चाहिए। वो हमारे पड़ोसी हैं और हमारे जो नेबरहुड में जाके देखें, वो हम कहते हैं हमने उनसे आज़ादी ली, हम 14 अगस्त एक दिन पहले उनसे आज़ाद हो रहे हैं और हमारा एक सदी पीछे है उनसे ही सारी चीज़ों में। तो ये हमें उनसे सीखना चाहिए। दुश्मन देश कब तक हम ये जो है ना ये चूरन बेचते रहेंगे दुश्मनी का? उनकी आर्मी और उनका कोई इदारा पाकिस्तान में सिवाय मैं समझता हूँ एक क्रिकेट टीम रह गई है जो उनसे कभी कभार जी सकती है, बाकी हम चारों खाने चित हुए पड़े हैं। इंडिया बहुत आगे जा रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो वो हमसे क्या, पूरी दुनिया में काफ़ी मुल्कों से वो आगे है। उसकी वजह है कि उन्होंने आने वाले वक्त के लिए ना अपनी जनरेशन को तैयार किया है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स के साथ मैं हूं निम्र अहमद। व्यूअर्स, पाकिस्तानी पब्लिक का हम रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे, पाकिस्तान इंडिया का हम कंपैरिजन करेंगे और मेरा आज का बेसिकली टॉपिक ये है कि अगर हम बात करें भारत की, जिसके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, जिनके गवर्नमेंट को 8 साल मुकम्मल हो गए हैं और नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि इंडिया एक ऐसा नेशन है जो G20 नेशंस की अगर हम बात करें, G20 नेशंस में एक फास्टेस्ट इकॉनमी वाला मुल्क है और दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंटरनेट यूज़र्स भी इंडिया में है। अगर हम सेकंड पोजीशन की बात करें इंडिया की, तो इंडिया अगर हम बात करें ग्लोबल रिटेल इंडेक्स की तो सेकंड पोजीशन पे है इस वक्त ग्लोबल रिटेल इंडेक्स में भी, और अगर हम थर्ड रैंक की बात करें तो इंडिया इस वक्त थर्ड रैंक पर है एनर्जी कंज्यूमिंग में। और अगर इसके अलावा हम बात करें इंडिया की मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की तो वो $470 बिलियन है। ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है इन बड़े बड़े मैदानों में बाजी मारना और सेकंड, थर्ड, फर्स्ट रैंक पे आना। जिस तरीके से इंडिया ने अपनी ग्रोथ शो की है, जिस तरीके से इंडिया आगे बढ़ रहा है, अगर हम नोटिस करें 1947 में तो पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आज़ाद हुए, पाकिस्तान एक दिन पहले इंडिया से आज़ाद हुआ, फिर इंडिया बहुत से शोबों में हमसे आगे निकल गया, एक बहुत बड़ी इकॉनमी बन रहा है, इकॉनमी बहुत ज़्यादा बूस्ट हो रही है, हर मैदान में इंडिया आगे जा रहा है। इवन इंटरनेशनल लेवल पर अगर हम देखें तो हमें इंडियंस काम करते हुए मिल रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह है और पाकिस्तान इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहा है अगर इंडिया के मुकाबले में देखा जाए, ये आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे। तो मेरे साथ कनेक्ट रहें और देखते रहें कैटलिस्ट रिकॉर्ड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुजम्मिल जमील जी। अच्छा मुजम्मिल, मेरा आपसे सवाल ये है कि अगर हम बात करें अपने नेबरिंग कंट्री भारत की, तो भारत जो है G20 नेशंस में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है, ठीक है। अगर दूसरे नंबर पर देखें तो ग्लोबली रिटेल इंडेक्स और इंटरनेट यूज़र्स भी जो है वो इंडिया में सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, ठीक है। आप मुझे बताएं, हम दोनों कंट्रीज एक साथ आज़ाद हुए, फिर इंडिया हमसे इतना आगे निकल गया, क्या वजह है? इंडिया हमसे आगे निकल गया, वो डे फर्स्ट से ही हमसे आगे था वो। अच्छा। ये नहीं कि वो अभी हमसे आगे निकला है, क्योंकि वो नेशनलिज्म लोग हैं, वो अपने मुल्क और कौम के लिए सोचते हैं। अच्छा। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यही है कि हमारे यहाँ नेशनलिज्म किसी में है ही नहीं। हम लोग मुल्क और कौम के लिए नहीं सोचते, इंफरादी अपनी ज़ात के लिए सिर्फ सोचते हैं और हमें किसी से कोई गर्ज नहीं है। ये शुरू से हमारे साथ यही चलता आ रहा है। हम लोग अच्छे नहीं हैं इसलिए हमें हुक्मरान भी अच्छे नहीं मिले। तो हम अच्छे होंगे तो हम ग्रोथ करेंगे, फिर क्यों नहीं करेंगे? फिर जब हम में मुल्क की मोहब्बत और मुल्क के लिए सोच आ जाएगी ना, तो फिर हम इंडिया क्या, हम अमेरिका से भी आगे जा सकते हैं। हम इतना टैलेंट रखते हैं, हमारे अंदर इतने मतलब ब्रिलियंट जहन पड़े हैं कि कमाल है। अच्छा सर, आपने कहा इंडिया हमसे डे वन से ही आगे है, क्यों, कैसे आगे है? क्योंकि देखिए, उन्होंने एक सिस्टम बनाया है, उन्होंने अपने आप को कौमी धारे में लेके आए, हम लोग नहीं लेके आए। उन्होंने मतलब वन यूनिट रखा ही नहीं, उसको तोड़ दिया है। हमने वन यूनिट रखा है, सारी चीज़ें हर चीज़ को तो हम मतलब जागीरदाराना निज़ाम पे लेके चल रहे हैं। फौज हमारी अपने तरीके से चलती है, सियासतदान अपने तरीके से चलते हैं और जो भी आता है वो कहते हैं यार लुटो खसुटो तो फुटो, वो साहब हमारा चाह रहे। तो इसलिए हमें मतलब हमें कौम बनेंगे तो फिर ये सारी चीज़ें हमारी ठीक होंगी, उससे पहले नहीं ठीक हो सकती। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि सेकंड नंबर पे है इंडिया, अगर हम इंटरनेट यूज़र्स की बात करें तो, ठीक है, जिस तरह से वहाँ पर टेक्नोलॉजी आम यूज़ की जा रही है, ठीक है, आप क्या कहेंगे मॉडर्न वर्ल्ड में इस वक्त इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? इंडिया बहुत आगे जा रहा है, मतलब अगर देखा जाए तो वो हमसे तो
हमसे क्या, पूरी दुनिया में काफ़ी मुल्कों से वो आगे है। उसकी वजह है कि उन्होंने आने वाले वक्त के लिए ना अपनी जनरेशन को तैयार किया है। उन्होंने ऐसे नहीं किया जैसे हम मतलब कॉलेज में कुछ पढ़ा रहे हैं, यूनिवर्सिटी में कुछ पढ़ा रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो पढ़ के मतलब कुछ और आ रहा है, जॉब आगे वो किसी और चीज़ की कर रहा है। तो ये चीज़ें हम में है ही नहीं। वो पढ़ाते बच्चे को वो चीज़ें कि जिसका उनको पता है कि इसने आगे जाके इसी स्किल से अपना पैसा कमाना है, इसी स्किल से मुल्क को आगे लेके जाना है। वो एक प्रॉपर प्लान के तहत चलते हैं, हम में कोई प्लानिंग नहीं है। अच्छा सर, उनकी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो वो 470 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गई है। एक्सपोर्ट्स के मैदान में इतना आगे जाना और पाकिस्तान की अगर हम एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वो बिल्कुल ही ना होने के बराबर है। ठीक है, तो क्या वजह है कि इंडिया बिजनेस के सेक्टर में तो आगे जा रहा है, हर सेक्टर में, टेक्नोलॉजी में भी आगे जा रहा है, यकीनन उनकी हुकूमत भी हमसे ज़्यादा अच्छी है, एक्सपोर्ट्स में इतना आगे जाने की क्या वजह आपको नज़र आ रही है? देखें जी, इसमें तो बिल्कुल दो लफ्जी बात है। वो हम लोग जो है ना, मुल्क के साथ सिंसियर नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया, हम लोग अपने साथ भी सिंसियर नहीं। हम काम करते हैं उसमें दो नंबरी ढूंढते हैं, चीज़ें करते हैं उसमें, हमारी चीज़ बाहर जाती है, बाहर वहाँ से हमारी चीज़ नहीं खरीदता, वो इंडिया की खरीद लेता है। क्यों? वो जो दिखाते हैं, जो पैक करते हैं, वो बताते हैं कि जनाब हमारी ये क्वालिटी, ये चीज़ें, वही निकलती है। हम जो भेजते हैं बाहर, वो उनको बताते हैं कि भाई हमने आपको एक नंबर चीज़ दी, ये निकलती 10 नंबर है वहाँ से। तो फिर वो नुकसान तो मुल्क का ही होना है ना, हमारी फिर तरक्की कैसे होगी, हम कैसे ग्रोथ करेंगे? मैं उसकी बात को सेकंड करूँगा, चाहे वो हमारे दुश्मन देश के वो वज़ीर-ए-आज़म हैं, लेकिन ये जो उसने फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी की बात की और इंटरनेट यूज़र्स में जो वो दूसरे नंबर पे बात की, मैं समझता हूँ कि वो आने वाले चंद सालों में, ज़्यादा दूर नहीं है कि वो जो आईटी की एक दुनिया है उस पर वो राज करने वाले हैं। सेकंड, आपका जो सवाल है कि हम एक साथ आज़ाद हुए, मैं समझता हूँ हम अभी तक आज़ाद हुए नहीं। ना हमारी खारजा पॉलिसी आज़ाद है, ना हमारा कोई इदारा आज़ाद है। यहाँ सारे जितने भी इदारे हैं या जो हमारी ये जो पार्लियामेंट है, ये सब हम गुलाम हैं, हमारे आका बदले हैं। पहले हमारे आका थे हिंदुस्तान, वो इंग्लिस्तान से, अब हमारे आका आ रहे हैं, इंपोर्टेड आ रहे हैं, पता नहीं कहां कहां से आ रहे हैं। तो ना हमारा कोई नज़रिया, आज़ादी हमें मिली नहीं। और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जिस टाइम आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं, पाकिस्तान एक दोराहे पे खड़ा है, या तो ये कौम अब हकीकी आज़ादी को ढूंढ लेगी या फिर ये ऐसे ही गुलामी में जिएगी। इस गुलाम कभी भी आज़ाद फैसले नहीं करते। और हमारी इकॉनमी का आप देख लें, इंडिया तीनों तरफ भी नहीं, चारों तरफ खेल रहा है। वो अमेरिका का भी बेस्ट फ्रेंड है और वो रूस से अपनी मन मर्जी से ट्रेड भी कर रहा है, सस्ता ऑयल भी खरीद रहा है, पेट्रोल डीजल। ये वो फैसले हैं जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करते हैं, इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इनका हमारी इकॉनमी पे डायरेक्ट इफ़ेक्ट है। जब तक हम खुद को आज़ाद नहीं करेंगे, ये यूट्यूबर्स तो मैं समझता हूँ, ये इनको अप्रिशिएट भी मैं करता हूँ कि चाहे समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, तो ये कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं हमारी इकॉनमी के लिए। लेकिन शर्म आनी चाहिए उन सब लोगों को जो इन लोगों को बजाय फैसिलिटेट करें, इन पे वो तरह तरह के पाबंदियां लगाते हैं। अभी रिसेंट में वी लॉग्स पे भी FIR होना शुरू हो गई हैं, जो कि उन यूट्यूबर्स को बजाय उनको फैसिलिटेट करें, उनको प्रमोट करें, उनको ये उल्टा ओछे हथकंडों से ना उनको सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, इंडिया सेकंड नंबर पे है इंटरनेट यूज़र्स में। इंडिया जिस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरीके से उसके कंट्री में टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, आपको क्या लगता है मॉडर्न वर्ल्ड में इस वक्त इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? मैं कह रहा हूँ इंडिया मॉडर्न वर्ल्ड में इस वक्त टॉप पर एग्जिस्ट कर रहा है। आप देख लें यूट्यूब, गूगल और इनके जितने भी जो अमेज़ोन और ये जितने भी बड़े बड़े हमारे जो सोशल मीडिया या इंटरनेट की दुनिया के जो इदारे हैं ना, उनमें सैकड़ों नहीं, हज़ारों बल्कि लाखों इंडियंस काम कर रहे हैं। उनका और हमारा ज़मीन आसमान से भी अगर कोई ज़्यादा फासला हो, वो फ़र्क है, तो वो लोग आईटी की दुनिया में राज कर रहे हैं। हम एक साथ आज़ाद हुए लेकिन हम अभी आज़ाद नहीं हुए, और वो आज़ादी से फैसले करके वो जदीद दुनिया की बुलंदियों पर राज कर रहे हैं।
अच्छा सर, अगर इसके अलावा बात करें एनर्जी कंज्यूमिंग में तो इंडिया थर्ड नंबर पे है। अगर हम उनकी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की बात करें तो 470 बिलियन डॉलर्स को टच कर दिया है उन्होंने, ठीक है। नो डाउट उनकी गवर्नमेंट हमसे अच्छी है, उनकी पॉलिसीज हमसे अच्छी हैं, लेकिन एक्सपोर्ट्स के मैदान में इतना आगे जाना बहुत बड़ी बात है। क्या वजह लगती है आपको इसकी? उनकी वजह वही मैं आपको बता रहा हूँ, उनका इंसाफ का निज़ाम, और दूसरा वो फैसिलिटेट करते हैं एक्सपोर्ट को और ये यूट्यूबर्स को और जितने भी ये आईटी के जो रिलेटेड उनके डिपार्टमेंट्स हैं ना। वजह यही है, अब आप यूट्यूबर हैं, आपको अगर गवर्नमेंट कुछ भी ना करे, सिर्फ दस्ते शफकत आपके हाथ पे रखे, आपके हौसले जवान हो जाएंगे। सर मुझे ये बताएं कि अगर हम एक्सपोर्ट्स के मैदान में हम बात कर रहे हैं ना, तो प्रोडक्शन किसी भी कंट्री की बहुत मैटर करती है एक्सपोर्ट्स में, तो प्रोडक्शन इंडिया में और पाकिस्तान में कहाँ? मैं आपको बताता हूँ, वो जैसे कहते हैं ना बड़ी मार्केट है इंडिया, तो अब आप ऐड आते हैं ना हमेशा, हमारे बच्चे भी हमसे सवाल करते हैं कि ये जितने भी मिस वर्ल्ड होती है ये इस तरह के ऐड आते हैं जैसे लैक्स सोप के, ये वो पाकिस्तानी जो हीरोइंस हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, उनके नहीं आते, तो उनको बताना पड़ता है ये दुनिया मईशत पे जंग है, अब सिर्फ रह गई इकॉनमी की। तो वो लोग इसलिए जो बड़ी मार्केट है उनकी जो आबादी है वो हमसे दुगनी तिगनी है, तो इस लिहाज से वो बड़ी मार्केट है, उनका जो है ना आधा सच भी पूरा सच समझा जाता है, हमारा पूरा सच भी सारा झूठ समझा जाता है। मुझे ये बताएं हमें पॉलिसीज बनाने में क्या उनकी गवर्नमेंट से कुछ सीखना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को? मैं कहता हूँ सब कुछ ही उनसे सीखना चाहिए, वो हमारे पड़ोसी हैं और हमारे जो नेबरहुड में जाके देखें, वो हम कहते हैं हमने उनसे आज़ादी ली, हम 14 अगस्त एक दिन पहले उनसे आज़ाद हो रहे हैं और हमारा एक सदी पीछे है उनसे इस सारी चीज़ों में, तो ये हमें उनसे सीखना चाहिए। दुश्मन देश कब तक हम ये जो है ना ये चूरन भेजते रहेंगे दुश्मनी का? उनकी आर्मी और उनका कोई इदारा पाकिस्तान में सिवाय मैं समझता हूँ एक क्रिकेट टीम रह गई है जो उनसे कभी कभार जी सकती है, बाकी हम चारों खाने चित हुए पड़े हैं। असद मेरा आपसे सवाल ये है कि बेसिकली नरेंद्र मोदी ने कहा है कि G20 नेशंस में इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, दूसरे नंबर पे अगर देखें तो इंटरनेट यूज़र्स इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तीसरे नंबर पे अगर हम देखें तो एनर्जी कंज्यूमर्स हैं इंडिया तीसरे नंबर पे। क्या कहेंगे आप इस बारे में, कैसे इतना आगे जा सकता है भारत? इंडिया में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें वो हमसे काफ़ी आगे है, फॉर एग्ज़ाम्पल उनकी आई टी इंडस्ट्री हमसे बहुत आगे है, उनका स्पेस प्रोग्राम अच्छा है, उनकी बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हमसे अच्छी है, उनकी डेमोक्रेसी अच्छी है, उसमें बॉयज़ इंटरफेयर नहीं करते। लेकिन अगर हम ओवरऑल देखें जिस तरह वो हमसे बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनकी वसाइल ज़्यादा हैं, तो उसने कोई ज़्यादा तरक्की नहीं की। 74-75 साल में जिस तरह के हमारे चीनी पत्ती के मसाइल हैं उनके भी इसी तरह के मसाइल हैं। पिछले दिनों आपने एक इंसिडेंस हुआ है कि उसमें वो सिंगर है उसको मार दिया, ह्यूमन राइट जिस तरह यहाँ पर हैं वैसे वहाँ पर हैं। तो 75 साल में जितनी तरक्की इंडिया को करनी चाहिए थी वो उसने नहीं की, ना हम इतने 70-75 साल में ना हम जर्मनी बन सके हैं ना इंडिया जापान बन सका है, तो हम सिमिलर हैं और सिमिलर चल रहे हैं। लेकिन सर वहाँ पर ये भी एक स्टेटमेंट दी गई थी कि कुछ साल पहले हम कहते थे कि हम जापान अपनी लाइफ में ज़रूर विज़िट करें, लेकिन अब इंडिया कहते हैं कि जापानीज़ को जो है वो ज़िंदगी में एक बार इंडिया को विज़िट करने की ज़रूरत है। अगर आप जापान की बात करें तो इंडिया बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल हैं, वो ग्रो कर रहा है, ठीक है, उनकी ये जो क्लेम्स वो कर रहे हैं ये ठीक हैं, लेकिन जहाँ पे इंडिया को होना चाहिए वहाँ पे नहीं है। इसी तरह पाकिस्तान को जहाँ पे होना चाहिए वहाँ पे नहीं है, हम दोनों सिमिलर हैं, हमारे मसले भी सिमिलर हैं। लेकिन सर देखिए एटलीस्ट वो लोग ट्राई तो करें, अब उन्होंने चाइना की हर चीज़ बैन कर दी, अपनी मैनुफैक्चरिंग स्टार्ट कर ली है, ठीक है, इसके अलावा जो है वो इकॉनमी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, ट्रिलियंस में उनकी इकॉनमी तकरीबन पहुँच रही है। ये वो बातें हैं जो उनकी अच्छी चीज़ें हैं, हमें भी इनको जो फॉलो करना चाहिए, हमें भी इनको कॉपी करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। सर इंटरनेट यूज़र्स की अगर हम बात करें तो सेकंड नंबर पे है इंडिया, वो जिस तरह से टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उनकी कंट्री में, आपको क्या लगता है मॉडर्न वर्ल्ड में इस वक्त इंडिया कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? आईटी इंडस्ट्री उनकी बहुत शानदार है, सुंदर पिचाई उनका बहुत फेमस आदमी है जो कि गूगल का सीईओ है, इस तरह उनकी बाकी जो काफ़ी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा जो आईटी से मुंसलिक है और वो उससे काफ़ी पैसा भी कमा रहे हैं, तो हम चीनी पत्ती पेट्रोल से निकलेंगे तो आईटी की तरफ जाएंगे, हमारी प्रायोरिटीज़ ही और हैं, उनकी और हैं, तो हमें सीखना चाहिए। अच्छा सर अगर इसके अलावा हम बात करें, तीसरे नंबर पे एनर्जी कंज्यूमर भी है, अगर हम उसके अलावा बात करें तो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स की, तो 470 बिलियन डॉलर्स को पहुंच गई हैं उनकी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स, ऐसा क्या है जो उनकी एक्सपोर्ट्स इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं? हम देखते हैं कि वो हमसे बिजनेस में भी आगे हैं, उनकी गवर्नमेंट नो डाउट हमसे अच्छी है, लेकिन एक्सपोर्ट्स में इतना ज़्यादा आगे बढ़ने की क्या वजह आपको लगती है? जब आपकी कंट्री की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी,
आप अपनी प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे तो फिर आप उसको एक्सपोर्ट करेंगे। हमारा जो फोकस होता है वो इम्पोर्ट पे होता है, इसलिए हम पीछे रह गए, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो ना होने के बराबर है। क्या आपको लगता है कि इंडिया में प्रोडक्शन हर चीज़ की है? हर चीज़ की नहीं है, लेकिन मेजोरिटी उनकी काफ़ी चीज़ों की प्रोडक्शन है, वो मेड इन इंडिया को प्रमोट कर रहे हैं और इसलिए उनको फ़ायदा हो रहा है। हम भी करेंगे ऐसा तो हमें फ़ायदा होगा। तो आपको लगता है कि हमें उनसे सीखते हुए काम करने की ज़रूरत है, हमारी गवर्नमेंट को उनकी गवर्नमेंट से पॉलिसीज सीखने की ज़रूरत है? ये जो सीखने की वाली बातें हैं ना, ये ऑलमोस्ट हर जो अच्छा मुल्क है वो इस तरह के काम कर रहा होता है। हम किसी भी मुल्क से सीख सकते हैं, अगर इंडिया ये काम कर रहा है तो इंडिया से भी सीखा जा सकता है। हमारा हमसाया है, बेसिकली हम दोनों एक ही हैं, सिमिलर हैं, हम लोगों की साइकी भी एक है, जैसे वो हैं वैसे हम हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, मुझे बताएं, अगर इसी तरह से इंडिया इनिशिएटिव्स लेता रहा, इस तरीके से अगर इंडिया आगे बढ़ता रहा, तो आपको लगता है कि इंडिया जो है वो सुपर पावर बनने की रेस में आगे चला जाएगा? हम देखते हैं कि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट को 8 साल कम्प्लीट हो गए हैं और इस दौरान जो है वो बहुत सी सेक्टर्स में इंडिया आगे आ गया है। देखें, ओपन फील्ड है, फ्री मार्केट है, 2022 चल रहा है, जो कंट्री जो लोग काम करेंगे वो आगे जाएंगे, वो सुपर पावर बनेंगे। पाकिस्तान काम कर ले, पाकिस्तान को कोई नहीं रोक सकता, सुपर पावर बन जाए। इंडिया काम करेगा तो इंडिया आगे चला जाएगा, जो काम करेगा वो आगे जाएगा, जो नहीं करेगा पीछे रह जाएगा, सिंपल सी बात है। जी तो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। होप्स हो कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो का कॉन्टेंट, वीडियो का टॉपिक और लोगों के रिव्यूज़ आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज़। लेकिन 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 हमारे चैनल कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फौरन से सब्सक्राइब कर दें, उसी के साथ साथ बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त से मिलती रहे। थैंक यू।